दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में काफ़ी गंभीर स्थिति में वायु गुणवत्ता की स्थिति 400 के पार है AQI ज़्यादातर जगहों पर दिल्ली में, और हरियाणा में भी कई जिलों में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। फरीदाबाद में 426 AQI दर्ज किया गया, तो गुरुग्राम में 345 AQI दर्ज किया गया है, वल्लभगढ़ में 395, तो मानेसर में 354 AQI दर्ज किया गया है, रोहतक में 362, तो हिसार में 312 AQI दर्ज किया गया है। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जहरीली हवा कहीं ना कहीं बनी हुई है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बाहर जा रहे हैं, हालांकि उनकी सेहत पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन की बात करें, लगातार किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि आप पराली ना जलाइए, क्योंकि लगातार ऐसे में जो है काफी 150 के ऊपर किसानों के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है, उनकी चलानिंग भी की गई है, और उनको अलग अलग तरीके से जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को किसी भी तरीके से कम किया जा सके। जी जी, लेकिन अगर मुकुल बात करें, आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ अभी भी धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है, पीछे का दृश्य दिखाइए किस तरह की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है और क्या कुछ परेशानियां आम लोगों को हो रही है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं दिखाना चाहूँ आसमान में किस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पर अभी प्रदूषण नजर भी आ रहा है, लेकिन पहले से जो है, पहले अगर AQI की अगर बात करें 300 के पार भी करनाल में पहुंच चुका था, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। लेकिन अगर बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं जहरीली हवा जो है यहाँ पर महसूस जरूर की जा सकती है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुकुल। तो लगातार इसी तरह से स्थिति जो है वो बनी हुई है कई जगहों पर, हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, कुछ जगहों पर मौसम बदल रहा है, हवा चल रही है तो राहत मिल रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और NCR के कई हिस्सों में इसी तरह से वायु प्रदूषण को लेकर के गंभीर स्थिति बनी हुई है। चाहे बात हम फरीदाबाद की कर लें, 426 है, गुरुग्राम में थोड़ा कम है, लेकिन वायु प्रदूषण की स्थिति